है कि ये जो जादू है, सेहर है, सिफली है, टोटके हैं, जो मानता है ना डरता है, तो उसको बहुत जल्दी असर होता है। और जो तौहीद तफरीद से आरास्ता हो और वो कहे कि अल्लाह के हुक्म के बगैर क्या हो सकता है, तो उस पर असर नहीं होगा। हमारे एक साथी ये बहुत बड़े आलिम हैं, उस्तादुल उलमा हैं, वह जिसको देखते हैं कहते हैं ये मेरे ऊपर जादू कर रहा है। हमारे यहाँ एक साथी है, उनका बड़ा खादिम है, वो कहते हैं इसने काली तस्बीह उठाई है, मुझे इससे डर लगता। मैंने कहा इतना खौफ खुदा का तुझ पर आ जाए तो इस जमाने के गौस व कुतुब हो। मुझे कहते हैं कि आप पर 20-25 जादू है लेकिन आप मानते नहीं। मैं क़यामत तक नहीं मानू। एक अल्लाह नाफे और द्वार है, उसका कोई शरीक नहीं है। रब्बुन अल्लाहु ला शरीक ला। जन्नत क्या बेचते हैं, उनका काम क्या है? ये औरतों में बहुत ज्यादा मरज होता है, रिश्ते बंद हो गए, बीमारियां आ गई है, हाँ मियां को भी नोटिस मिल गया, लड़के की बेरोजगार जरूर कुछ है। और फिर लोग इनकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं, कभी कहते हैं अंडा उल्टा लटका दो, दफना दो, कभी कहते हैं काले रंग का बकरा ले। काला बकरा तो खुद भला है, भला आप भला से दूर कर रहे हैं, काला तो मुतलक ना हो। ऐसा जादूगर और साहिर जिसके तावीजात से लोगों की जिंदगी ऊपर नीचे, कितना काबिल आदमी होगा वो, तो 2 लाख और 10 लाख से कम फीस नहीं देगा। ये जो आम जो है ना चमीड़खोर बाजारों में बैठे हुए, ये टका चार लुटेरे, ये खुद कुछ नहीं जानते, अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, ये दूसरों को क्या तावीज करेंगे और जादू करेंगे? सब फजूल बातें, अफवाहात ईमान की कमजोरियां हैं। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।